Very lovely good morning students. Yesterday I sent you a video related with the explanation of page number six and seven of your EVS subject lesson number one Living and Non-Living Things. Today I am sending the third video related with this lesson. आज इस लेसन नंबर वन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड मैं थर्ड वीडियो आपको भेज रही हूँ जिसमें पेज नंबर एट को मैं एक्सप्लेन करूँगी आप जिनके पास बुक्स हैं बुक्स लेकर बैठिए उस पेज को निकालिए जिनके पास बुक्स नहीं हैं ध्यान से वीडियो को देखिए और देखिए कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ वर्ड्स को जो वर्ड आपको बोलने में नहीं आएगा उसे अंडरलाइन करिएगा जो हार्ड वर्ड है उसे अंडरलाइन करिएगा जिनका मीनिंग मैं सबका मीनिंग बताते जाऊँगी उसको आप लिख लीजिएगा पेज नंबर एट वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स भी प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं पत्तेदार सब्जियाँ ये भी बहुत रिच होती हैं विटामिन मिनरल्स में पालक खाते हैं पालक पत्तेदार सब्ज़ी है उसके बाद साग हम खाते हैं लाल साग खाते हैं वो भी पत्तेदार सब्ज़ी है पत्ता गोभी पत्ता गोभी मीन्स की उस वो पत्ता रहता है उसमें वो भी पत्तेदार सब्जियां बहुत वो विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होती हैं वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर केन प्लांट हमें शुगर केन प्लांट जो गन्ने होते हैं उनसे क्या मिलता है शुगर शुगर में चीनी जो आप बहुत खाते हैं बच्चे ज़्यादा शुगर खाने से दांतों में कैविटी हो जाती है तो आप शुगर का कम यूज़ करिए बताइए घर पर शुगर कहाँ कहाँ यूज़ होता है चाय में शुगर यूज़ होती है खीर में शुगर यूज़ होती है कॉफ़ी में शुगर यूज़ होती है सेवई में शुगर यूज़ होती है कुछ बच्चों को चीनी की रोटी भी पसंद है तो शुगर कम खाइए बच्चे चॉकलेट्स मिठाइयाँ सब चीज़ में शुगर यूज़ होता है Now स्पाइसेस अंडरलाइन दिस वर्ड स्पाइसेस मीन्स मसाले गिव फ्लेवर टू our फूड Spices मसाले हमारे भोजन को फ्लेवर देते हैं सुगंध देते हैं क्लोव्स long, ब्लैक पेपर काली मिर्च क्यूमिन सीड जीरा एंड cardamom. कार्डेम इलायची लिंस लिंसिड होता है अलसी जिसे हम तीसी बोलते हैं आर स्पाइस विच कम फ्रॉम प्लांट्स ये सब प्लांट्स से हमें मिलते हैं आप देखिए जब किचन में जाइए मम्मी से पूछिए कि मम्मी लौंग दिखाइए लौंग कैसा होता है ब्लैक पेपर को देखिए क्यूमिन सीड जीरा को देखिए इलायची आप सब जानते ही होंगे लिन सीड इसको हम तीसी बोलते हैं ऐसे अलसी इसका नाम है लेकिन हमारे देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में इसको तीसी बोला जाता है ये सारे मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से ही मिलते हैं नाउ सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज सीसम सनफ्लावर आर क्रश्ड टू मेक ऑयल कुछ प्लांट्स के सीड्स बीज जैसे ग्राउंडनट मूंगफली, शीशम और सनफ्लावर सूरजमुखी इन सब के बीजों को क्रश करके इन सब के बीजों को बीजों को क्रश करके इनसे क्या निकाला जाता है तेल निकाला जाता है और उस तेल से क्या होता है हमारे वेजिटेबल्स ये फूड आइटम बनते हैं सब्जियाँ बनती हैं पूरी हम छानते हैं पूरी खाते हैं तो हमारे जो फूड जो डे टू डे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में जो ऑयल यूज़ होता है वो इन्हीं बीजों से बनता है कॉटन जूट एंड लिनन आर फाइबर्स ऑपटेन फ्रॉम प्लांट्स कॉटन कपास जो हम सूती कपड़े पहनते हैं जूट रेशा जिससे बोरियाँ बो होती हैं बैग्स बनते हैं रस्सियाँ बनती हैं लिनन ये एक तरह का लिनन का कपड़ा जो होता है वो पहनते हैं हम ये सारे फाइबर्स हैं रेशे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से मिलते हैं वी मेक थिंग्स लाइक क्लोथ्स शीट्स बैग्स एंड रोप्स विद दिस इन चीज़ों से हम क्या बनाते हैं कपड़े बनते हैं हमारे शीट्स बनता है बैग्स बनते हैं और रोप्स रस्सियाँ बनती, है. बनती हैं मेडिसिन आर मेड फ्रॉम प्लांट्स पौधों से दवाइयाँ बनती हैं क्यू नाइन क्यू नाइन ए मेडिसिन क्यूर्ड मलेरिया इज़ मेड फ्राम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री क्यू नाइन एक तरह की टैबलेट एक तरह की दवाई है औषधि है जो किस यूज़ होती है मलेरिया मलेरिया के इलाज में ये मलेरिया को ठीक करती है ये दवा तो ये कहाँ से बनती है सिनकोना नामक एक पेड़ है उस पेड़ की छाल से बार्क मीन्स बार्क का दो मीनिंग होता है देखिए बच्चे आप लिख लीजिए या फिर अपने माइंड में रखिए बार्क मीन्स जनरली हम जानते हैं अगर हम साउंड आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भौंकना तो भौंकते कौन है डॉग्स बार्क करते हैं लेकिन बार्क का मतलब होता है एक मीनिंग और होता है वो होता है पेड़ की छाल पेड़ का ऊपरी कवर तो सिनकोना प्लांट का जो बार्क है वो उससे क्या बनता है दवाई बनती है कौन सी दवाई बनती है मलेरिया जो रोग है उसको ठीक करने की दवाई और देखिए आंवला नीम तुलसी टर्मरिक गार्लिक एंड मेनी हर्ब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसन्स आंवला जो आंवला आप खाते हैं आंवला का मुरब्बा खाते हैं आंवले का अचार खाते हैं आप ऐसे कच्चा आंवला भी नमक लगाकर खाते हैं नीम नीम के पेड़ अपने आपके घर के आसपास होंगे तुलसी का पेड़ सबके घर में है टर्मरिक हल्दी गार्लिक लहसुन और बहुत से छोटे छोटे हर्ब्स हर्ब्स होते हैं छोटे पौधे ये सब भी यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए ना पेपर पेपर इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू एंड ट्रीज़ पेपर जो होता है वो बैम्बू से बनता है कागज बैम्बू बांस से बनता है यूक्लिप्टस के पेड़ से बनता है रैक्स ऑफ कॉटन आर आल्सो यूज्ड टू तो मेक पेपर जो कपास जो बनता है सूती कपड़ा जिससे हम बनते हैं उसका रैक्स उसका जो चीथड़ा होता है कपास का फटा पुराना उससे भी पेपर बनता है ये देखिए आपके बुक्स जो प्रिंट है पेपर पर प्रिंट है न्यूज़ पेपर में पेपर का इस्तेमाल होता है लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे हमें प्लांट्स ही देते हैं पेपर बाइसिकल एंड कारायर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम रबर बाइसिकल और कार के टायर्स जो होते हैं वो भी रबर से बनते हैं अब ये रबर कहाँ से आता है वी गेट रबर फ्राम रबर ट्रीज़ ये रबर हमें मिलता है रबर के पेड़ से गम गम मिलता है हमें पेड़ से फ्राम द अकाया ट्री ये देखिए अकाया का ट्री है ये ट्री से हमें गम मिलता है गोंद जो हम किसी चीज़ को चिपकाने में यूज़ करते हैं और ये देखिए रबर का पेड़ है ये देखिए रबर के पेड़ को ये कैसे काट कर और उसके रबर का जो दूध है ये देखिए इसको कट किया हुआ है और इसका जो लिक्विड है ये इसमें इसमें जमा करते हैं और फिर इसको फैक्ट्री में ले जाकर इसको केमिकल रिएक्शन के साथ रबर बनाते हैं जो आप पेंसिल ये हम मिटाने में पेंसिल में भी यूज़ करते हैं रबर का इस्तेमाल हमारी गाड़ी के टायर्स बनते हैं ट्यूब्स बनते हैं फिर आप जो स्लिपर्स वग़ैरह पहनते हैं वो सब रबर से बने होते हैं नाव द वुड ऑफ़ टीक साल एंड शीशम इज़ यूज टू मेक फर्नीचर लाइक टेबल चेयर डोर्स विंडोज़ एक्सेट्रा तो जो टीक एक तरह का बड़ा पेड़ होता है साल का पेड़ होता है फिर शीशम का पेड़ होता है इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए हमारे घरों में जो टेबल बनते हैं लकड़ी के चेयर होते हैं आपको दरवाज़े बनते हैं खिड़कियाँ बनती हैं पलंग बनते हैं एक्सेट्रा बहुत सारे जो वुडन एलवीरा होता है ये सब इन पेड़ों की लकड़ियों से बनता है सॉफ्ट वुड इज़ यूज टू मेक मैच स्टिक्स एंड पैकिंग केसेस और जो सॉफ्ट स्टिक्स होती हैं जो मुलायम लकड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल होता है माचिस की तीली आप माचिस जलाते हैं देखिए वो तीली भी हमें पेड़ ही देते हैं और जो हमारे कार्टून्स मिले छो पतले पतले कार्ड ये केसेस बनते हैं पैकिंग कार्टून्स होते हैं जिनमें फल आते हैं वो सब भी लकड़ी के ही बने होते हैं ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच एनिमल्स ब्रीथ इन पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जो जो एनिमल्स से वो लेते हैं विदाउट देम देयर वुड हैव न नो लाइफ ऑन द अर्थ ऑक्सीजन के बिना अर्थ पर लाइफ संभव नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देते हैं पेड़ ऑक्सीजन जिनसे हम जिंदा रहते हैं पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हम जीवित हैं हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे ओनली प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सिर्फ प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपना फूड भोजन बनाने के लिए दैट इज़ why वी शुड ट्राई टू ग्रो मोर ट्रीज़ इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए वी मस्ट नेवर कट डाउन बिग ट्रीज हमें बड़े पेड़ों को काटना नहीं चाहिए ओके स्टूडेंट्स नाव द एक्सप्लेशन ऑफ दिस लेसन इज कम्प्लीटेड इस लेसन का एक्सप्लेसन कंप्लीट हो चुका है मैंने इसके पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया था आप इन लेसन से रिलेटेड मैं कुछ पहले टेक्स इन टेक्सट क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ जो आपने वीडियोज देखा है जो पेजेस आप पढ़िएगा पेज नंबर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव और सिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने भेज दिया था आज सिक्स सेवन एट से रिलेटेड क्वेश्चन भेजूंगी आंसर्स भी मैं भेजूंगी आप सबका फेयर करके फिर मेरे पर्सनल नंबर पर उसे सेंड करिएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करेंगे ओके थैंक यू